इस्लाम एक मुकम्मल तरीका और दीन है। इस्लाम इसीलिए जब इंसान बीवी से अपनी बीवी से मिलने जाता है, जिमा क्या जो है इरादा करता है, हम स्त्री का इरादा करता है, उस वक्त भी उसके आदाब और कुछ तरीके बताए गए हैं। यहाँ पर तो मैं मुकम्मल तफसीली गुफ्तगु नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक दुआ बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक दुआ उसमें से बताता हूँ। याद रखिएगा, हदीस में आता है जब आदमी दुआ नहीं पढ़ता है तो शैतान उसके शर्मगाह को जो है मर्द के शर्मगाह के साथ बीवी के शर्मगाह में दाखिल होता है और मजा लेने लगता है। इसीलिए हमको चाहिए कि इस दुआ की पाबंदी करें। जो भी अपनी बीवी से मिले उस वक्त इस दुआ को जरूर पढ़े। मैं इंशाल्लाह भी आगे बताऊंगा तफसील से, इस दुआ को जरूर पढ़े, क्योंकि दुआ न पढ़ने से जब उसी नुतफे से बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पे शैतानी असरात होते हैं, शैतानी जो है हरकत उसके अंदर भी आ जाती है। अगर हम दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा शैतान के शर से और शैतानी जो है कुव्वतों से जरूर महफूज रहेगा। दुआ यह है कि जो मुस्लिम शरीफ में हदीस जो है इसके मुतालिक हदीस मौजूद है, और दुआ यह है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबन शैताना व जन्निबि शैताना व मा रज़क़तना। इतनी बड़ी दुआ है। अब उसका तरीका क्या है? तरीका यह है, बीवी से जब हम बिस्तरी का इरादा होगा, कपड़े सत्र खोलने से पहले इस दुआ को पढ़ ले। सत्र खोलने से पहले, शर्मगाह खोलने से पहले पढ़ ले, क्योंकि शर्मगाह खोलने के बाद जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना ये मुनासिब नहीं है। इसीलिए सत्र खोलने से पहले पहले पढ़ ले, जबान से पढ़ ले। अब उसके बाद जो है बीवी से हम बिस्तरी करें। ये जो दुआ है ये हमेशा है, ऐसा नहीं है कि पहली रात के लिए है। हर रात जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा, जिमा का इरादा करेगा, बीवी से सोहबत करेगा, ये दुआ पढ़ेगा। जब भी करेगा, जब भी बीवी से हम बिस्तरी का नीयत जो है इरादा और बीवी से जिमा की नीयत करेगा, तब भी इसको पढ़ेगा। और बीवी से इस तरह पढ़ने से जो है शैतानी असरात से बच्चा जरूर महफूज रहता है। इसका ख्याल रखें और इस दुआ को याद जरूर कर लिया करें जो शादीशुदा हैं, ताकि जो है शैतानी असरात से अपने आप को और अपने बच्चों को जरूर महफूज रखें। अल्लाह ताला हम तमाम को सही बात और सही इल्म की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूम।